एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन एंड ब्यूटी। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। प्लीज़ प्लीज़ स्टे सेफ एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का मेरा ये वीडियो। तो दोस्तों, आप सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा कि जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसे हमारी मैंटेलिटी होती है, हम वैसी ही सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और इसी से रिलेटेड होता है मैनिफेस्टेशन, मतलब आप जो चाहते हैं उसको आप अपनी लाइफ में मटेरियलाइज कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें आप, उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपने होपफुली देखी भी होंगी। कई टेक्निक्स होती हैं जो काम करती हैं, कई टेक्निक्स होती हैं जो हमारे लिए काम नहीं करती। मैं जो टेक्निक आज आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी और बहुत सारे लोगों की ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करती कि आप इसको 5 मिनट करें और आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बट हाँ, अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आप सिर्फ अपने लिए अच्छा चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा, अपने नोन वंस के लिए अच्छा चाहते हैं, और अगर आप में फेथ है, विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, तो इस टेक्निक को आप डेली 10 से 15 मिनट करें और 3 से 4 हफ्तों में आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं वो या तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी या कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर आपके लिए खुल जाएगा जिससे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो सके। इस टेक्निक के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मंत्रा चैंटिंग, जिसे जाप कहते हैं। दूसरा पार्ट है विजुअलाइजेशन, जो आप चाहते हैं, जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप उसको विजुअलाइज़ करें, उसको पूरा होते हुए देखें, अपने मन में इमेजिन करें। और तीसरा पार्ट है विश्वास, आप फेथ रखें, आप विश्वास रखें कि आप जो चाहते हैं आप डिज़र्व करते हैं उसको पाना, और वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, अगर आप चैंट करते हैं, साथ में आप विजुअलाइज़ करते हैं, और साथ में आप विश्वास रखते हैं कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों, जो मंत्र आपने बोलना है, जो चैंट करना है, वो एक निचिरेन बुद्धिस्ट मंत्र है। उसमें 4 वर्ड्स हैं, नम म्योहो रेंगे क्यो। ये मंत्र एक बुद्धिस्ट मंक जिनका नाम निचिरेन था, उन्होंने सबसे पहले ईयर 1253 में जापान के एवा प्रोविंस में अपने कुछ डिसाइपल्स, अपने शिष्यों को सबसे पहले बताया था। और इस मंत्र को बताने के पीछे उनकी जो इंटेंशन यही थी कि लोग अपनी तकलीफ़ों से, अपनी सफरिंग से छुटकारा पा सकें, अपने लिए एक बेहतर लाइफ बना सकें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी लाइफ का जो ट्रू गोल है, जो ट्रू पर्पस है, उसे ना भुला दें। क्योंकि जब तक लाइफ की बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी कुछ बड़ा करने का नहीं सोच सकता। तो बस इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने इस मंत्र का प्रचार शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि इसके क्या फ़ायदे हैं और उसको किस तरह चैंट किया जाए। तो आइए हम पहले इसका मतलब जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मंत्र 4 शब्दों से बना हुआ है। तो नम म्योहो रेंगे क्यो, इन 4 शब्दों का मतलब है, नम संस्कृत लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है अपने आप को डिवोट करना या समर्पित कर देना। म्योहो का मतलब है मिस्टिक वंडरफुल लॉ, मतलब एक अद्भुत रहस्यमय नियम। रेंगे वर्ड का मतलब होता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अगर आसान शब्दों में बोलें तो इसका मतलब है जैसा कर्म वैसा फल। और एंड क्यों जो वर्ड है, उसका मतलब है टीचिंग या सूत्रा या वॉइस ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की आवाज़ या उनका सूत्र। एक साथ जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो इस मंत्र का मीनिंग बनता है कि मैं अपने आप को बुद्ध के द्वारा सिखाए सूत्र को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, जिससे मेरे कर्म मुझे मेरे फेवर में या मुझे मनचाहा फल दें। इस मंत्र से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए इसको चैंट करने का एक यूनिक तरीका होता है। आपने इसमें आँखें खुली रखनी है, कोई भी एक रूम में आप, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप जहाँ पे कंसंट्रेशन से चैंट करते रहें, आप वहाँ बैठ जाएं। अपने घर के पूजा रूम में बैठ सकते हैं, आपकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ बैठ जाएं। सामने आपके खाली दीवार हो, या फिर अपने भगवान की कोई मूर्ति हो या फ़ोटो हो, या फिर जो बुद्धिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि गोनजोन की जो पिक्चर है वो हो सामने। अगर वो नहीं है तो खाली दीवार भी चलेगी।
आप सामने बैठ जाएं, चौकड़ी मार के आंख खोल के अपने हाथों को खाली छोड़ दें, या तो कोई मुद्रा बना लें या जस्ट अपनी गोद में, अपनी लैप में छोड़ दें। चैन स्टार्ट करने से पहले आप प्रे करें कि मैं यूनिवर्सल एनर्जीज को प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो मेरी ये इच्छा पूरी करें, और अपनी आप इच्छा बोल दें। उसके बाद आप जोर से, मतलब आपको वैसे चिल्लाना नहीं है, बट थोड़ी सी लाउड, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर आवाज़ में आपको बोलना है, नम यो हो रेंगे क्यों, नम यो हो रेंगे क्यों, नम यो हो रेंगे क्यों। इस तरह आपने चैंट करना है, इतनी ऊंची बोलना है कि आपको खुद की अपनी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है। बस चैंट करते करते आप विजुअलाइज करें कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है। जब 10 मिनट चैंट कर लें तो बस यूनिवर्स को थैंक्स बोलें और उठ जाएं। बस ये इतनी सिंपल सी टेक्निक है, यही आपको 10 मिनट करना है, 10 से 15 मिनट। और अगर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं तो इसके तो अनलिमिटेड एंड मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं इसको चैंट करने के। बस आपकी इंटेंशन प्योर हो और आप फेथ रखें, तो आप खुद देखेंगे कि आपको एक्चुअल प्रूफ देखने को मिलता है। कोई ऐसी आपकी प्रेयर नहीं है जो सुनी ना जाए, कुछ ऐसा नहीं है जो कि ना इस मंत्र के चैंट से इम्पॉसिबल हो। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, आप उसे सॉल्व करवा सकते हैं। आपका कर्मा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपकी डेस्टिनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आप में विजडम आती है, नॉलेज आती है, कंपैशन आता है, और अपनी लाइफ में आप बुद्धाहुड को भी अटेन कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व कर सकते हैं अगर आप रोज़ इस मंत्र को चैंट करें। जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं, जब आपके कार्मिक बंधन, जो कार्मिक डेट्स हैं, वो क्लियर होते हैं, तो वैसे भी आपके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स को एक ये यकीन हो जाता है कि इसकी इंटेंशन अच्छी है और ये जो भी चाहता है या चाहती है ये उसको पाने को डिज़र्व करती है या करता है। बस आपकी इच्छा रीजनेबल होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जिन लोगों के लिए काम नहीं करता है, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो डिज़ायर्स, जो इच्छाएं होती हैं, वो अनरीजनेबल होती हैं, या जो को वो कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करते, या कुछ बहुत बड़ा मांग लेते हैं। तो आप अपनी रीजनेबल कोई छोटी इच्छा से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उससे आप शुरू करें, आप देखें कि ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, इसके चैंटिंग के ऑडियो वीडियो, आप वो साथ में चला लें, उसके साथ आप चैंट करें, वो भी एक अच्छा तरीका है, उससे एक रिदम बन जाती है। और आप बस वही, आप सामने दीवार को देखें और आंखें खुली रखें और कॉन्फिडेंट वॉइस में अपनी चैंट करें। 3 हफ्तों तक डेली 10 मिनट आप करके देखें, एक तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट्स बड़े पॉजिटिव रहेंगे, एंड आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, या फिर उसको पाने के कोई ना कोई रास्ते खुल जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलें। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, उनको लाइक करें, एंड अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।